बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके मन में कोई ना कोई डर रहता है, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके मन में भगवान के प्रति डर रहता है। आज इस भगवान के डर को कैसे खत्म करना है, आज इस विषय में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत अमेजिंग वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज मानसिक रोगों का आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो भी ऑनलाइन काउंसलिंग सीरीज का ही हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो भगवान से डरते हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति खौफ होता है कि अगर उन्होंने बुरा सोचा तो भगवान सजा दे देगा, नरक में डाल देगा या उनको पाप लग जाएगा। आज सच्चाई जान लेते हैं कि सच्चाई है क्या और इस पाप से, इस डर से मुक्त कैसे होना है, इस वीडियो में पूरी तरह से जान लेते हैं। कब आकर भगवान ने कहा कि मैं सजा दे दूंगा, कब आकर भगवान ने कहा कि बंदे मैं तुझे नरक में डालूंगा, क्या किसी को आकर कहा भगवान ने कि मैं ऐसा कर दूंगा, कभी कहा ही नहीं। ये तो इंसान की खुद की कल्पना है कि भगवान सजा दे देगा, भगवान नरक में डाल देगा, भगवान कुछ बुरा कर देगा, अनहोनी कर देगा। ये खुद का ही संसार है, इंसान ने खुद का संसार खुद निर्मित कर लिया है। यही संसार उसको परेशानी देता रहता है और इसी में उलझकर वो जिंदगी भर तड़पता रहता है। तो इस संसार के बारे में खुद के अलावा और कोई नहीं जानता है, सिर्फ जिसने इस संसार को बनाया है वही जानता है। क्या ईश्वर ने कभी कहा कि मैं तुझे कुछ बुरा कर दूंगा, तेरे लिए ये अच्छा है बुरा है, कभी ईश्वर नहीं कहता है। क्या जरूरत है उसे कहने की, क्योंकि उसने इंसान को पैदा कर दिया और उसे स्वतंत्र इच्छा दे दी कि वो चाहे जो करे, बस वो चाहे जो करे। तो आज की इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है व्यक्ति के संसार से। सिर्फ जो संसार व्यक्ति ने खुद के लिए निर्मित किया है उसके बारे में सिर्फ वही जानता है, दूसरा कोई इंसान जानता ही नहीं है। तो ना पाप से डरना है, ना नरक से डरना है, ना सजा से डरना है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान ना नरक में डालेगा, ना सजा देगा, ना पाप लगेगा, बस अपना जीवन जीते रहें। आज के इस वीडियो में अगर जीने के प्रति या डर से थोड़ी सी भी आजादी मिली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो भी वेल एंड गुड। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। आज रिलीजियस ओसीडी का 100% इलाज संभव है, आज धार्मिक ओसीडी का 100% इलाज संभव है थेरेपी के द्वारा, और इसमें चमत्कारिक थेरेपी है सीडीटी, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी। ड्रिल थेरेपी से इलाज चुटकियों में हो जाता है। इस विषय पर और अधिक जानने के लिए आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप काउंसलिंग साइकोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। चूक न जाना ऑनलाइन, मुझे मन की बात बताना, अगर मन की बात बताते हैं इलाज संभव मानिए। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर शेयर भी करते हैं, इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से धन्यवादी हूं। Brother, it's caught in the crossfire.